अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो वैलेंटाइन टाइम डेज जो हम लोग मनाते हैं, क्या ये हम मुस्लिमों पर फ़र्ज है? आप भी जानते हैं कि मुस्लिम का त्यौहार नहीं है। हमारी जो त्यौहार आते हैं तो हमें वो मनाने चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए। इस पर तो यूँ समझें आप, कितना गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है हम मुस्लिम के ऊपर। और हैप्पी न्यू ईयर, लोग हैप्पी न्यू ईयर भी बड़े शौक से मनाते हैं नए साल की खुशी में, ठीक है। तो इस्लामी साल की खुशियां मनाया कीजिए ना। फिर आ जाइए बर्थडे की तरफ, लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे बड़ी धूमधाम से बड़ा एहतमाम करते हैं उसके लिए, और बड़ी मतलब उसके लिए खर्चा भी करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का एक साल कम होने की खुशियां मनाते हैं। तो ये त्यौहार सब हम मुस्लिम पे फ़र्ज नहीं है, लेकिन हम फिर भी मनाते हैं, हम फिर भी नहीं मानते, हम खुशियां समझ के मनाते हैं। अरे मनाएं तो अच्छे त्यौहार मनाएं। रमज़ान आने वाले हैं माशाल्लाह से, इसमें फुल इबादत कीजिए, फुल इबादत कीजिए, फुल जश्न बनाइए, नए नए जोड़े बनाकर पहनिए, उसी इबादत कीजिए। मगर लोग इस पर इतना खर्चा करते हैं, मुझे दुख होता है। मैंने तो कभी नहीं मनाया, क्योंकि जब मैंने नहीं मनाया तो इसलिए आप लोगों को एडवाइस भी दे रही हूँ मैं कि आप लोग भी ना मनाया कीजिए, अच्छी चीज़ थोड़ी है ये। और रहा बहुत दिनों से आप लोगों से कोई बात भी नहीं, तो मैं सोचती थी मैं आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें करूँगी। तो अगर देखिए किसी भी बहन को, किसी भाई, किसी दोस्त को मेरी ये बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। मगर क्या है कि हकीकत तो यही है कि ये दिन हम मुस्लिम के लिए नहीं है, ये नॉन मुस्लिम लोग मनाते हैं तो वो खुश होते हैं, वो जश्न करते हैं, हम किस बात का जश्न करते हैं? ये तो हम अपने गुनाहों में मज़ीद इजाफा करते हैं। बाकी बातें बहुत सारी करनी है, मैं आपसे फिर आगाह करती हूँ, क्योंकि मोबाइल काम नहीं कर रहा, बार बार मोबाइल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बंद हो रहा है। आपकी अपनी दोस्त, अपनी सिंगर शाज़िया शम्मा बेगम, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ, यकीन जानिए मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था आज भी मैं वहीं पर हूँ, तो क्या मेरा राइट नहीं बनता, मेरा हक नहीं बनता? तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी, मैं दूसरी एपिसोड में वो बात कहूँगी आप लोगों से। उस वक्त के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल कीजिएगा, और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी प्यारी प्यारी दुआओं में आप सब मुझको याद है।